Joining us now is former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Mr. Fadnavis, good to talk to you, sir. These are trying times. How is Mumbai and Maharashtra fighting? देखिए मुंबई और महाराष्ट्र तो बिल्कुल फाइट कर रहा है. यू नो मुंबई इज वेरी रेजिलियंट अबाउट ऑल सच थिंग्स. हाउएवर आई थिंक वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग. इट्स अ चैलेंज बिकॉज यू रिक्वायर लॉट ऑफ सप्लाईज इन सिटी लाइक मुंबई और सिटी लाइक पुणे नागपुर. ऑल दीज आर बिग मेट्रो सिटीज एंड मेनी टाइम्स देर इज अ पैनिक बाइंग. So we need to create a lot of confidence amongst people that there is no need to be to do panic buying because supplies are still there. But I think with today's announcement by Nirmala ji, I think people will feel a little satisfied and I think there is not panic buying as well. देवेंद्र जी, लेट मी आस्क यू दिस. अगर मुंबई में और खासकर अगर मैं इस इलाकों की बात करूं तो जहां पर झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां स्लम एरियाज हैं, वहां अगर ये महामारी फैल गई तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी. अभी रिपोर्ट्स आए हैं कि घाटकोपर में, कुर्ला में, ऐसी जगहों पर जहां चॉल्स हैं और डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वहां अगर केसेस निकल के आ गए तो फिर बहुत बड़ी चिंता हो जाएगी. जी बिल्कुल सही बात है. हम लोगों की सबसे बड़ी वरी ये कम्युनिटी स्प्रेड ही है क्योंकि डेंसिटी इतनी ज्यादा है पॉपुलेशन की कि अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो इसका बहुत बुरा असर हो सकता है. फॉर्चुनेटली अभी तक जो सरकार की ओर से रिपोर्ट हमें मिल रहे हैं उसपे अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड की केसेस दिखाई नहीं पड़ रही है. लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष रूप से हाई डेंसिटी का जो इलाका है, झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, चॉल्स का इलाका है, यहां पर हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी मुंबई के जो है ये काफी अवेयर है. और मुंबई को एक ऐसा शहर जाना जाता है जहां लोग रूल्स फॉलो करते हैं. ये ठीक है कि ऐसे समय थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है, लेकिन जितना ज्यादा हम लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेंगे तो मेरा विश्वास है कि लोग रूल्स को फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का को प्रैक्टिस करते हुए इसका जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको हम लोग रोकने में कामयाब रहेंगे. जी विनय देशपांडे, आर मुंबई ब्यूरो चीफ इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस. मिस्टर फडनवीस, आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन विनय एंड देन आई हैंड इट अक्रॉस टू यू. बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ी है देवेंद्र जी, फीड द पुअर, कम्युनिटी किचन्स की बात हुई है, तो क्या आप इसको महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करेंगे उसको भी कम्युनिटी किचन्स, क्योंकि लोगों को कई सारे हैं कुर्ला में से और कई जगह ऐसे आए लोग जो कि भूखे बैठे हुए थे, बेघर बैठे हुए थे, उनको मदद की जरूरत है. बिल्कुल, हम इसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है. अभी भी अलग अलग जगह करीब 20,000 लोगों को फीड करने का काम हमने शुरू किया है. मुंबई में भी अभी हम लोग उसको शुरू करेंगे. और आज मैंने महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है, नेताओं से बातचीत की है. कल भी हम ऑडियो ब्रिज के थ्रू सारे जिलों में सारे एमएलए से बात कर रहे हैं, फोन से भी मेरी बातचीत चल रही है और सभी जगह हमने ये मेजर शुरू किए हैं. तो जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है कि इस दरमियान कोई भी भूखा न रहे, हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुंचे, तो इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे. सरकार की अपनी योजनाएं हैं उनमें भी मदद करेंगे, लेकिन सरकार जहां नहीं पहुंच पाती वहां पर भी पहुंचने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने शुरू कर दिया. अगला सवाल विनय आपसे पूछेंगे. फडणवीस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. अब सर, मैं जानना चाहती हूं कि अभी निर्मला सीतारामन जी ने एक पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन जो पहली रिएक्शन आ रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो है उपमुख्यमंत्री अजित पवार की. उन्होंने इस पैकेज का स्वागत करते हुए ये भी कहा है कि केंद्र शासन ने अब इसके आगे भी ऐसे और पैकेजेस देने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ पहला पैकेज है. जाहिर है कि ये कोरोना का संकट अगले कम से कम 3 महीनों तक चलेगा, तो केंद्र सरकार ने और भी आगे ऐसे ही बड़े पैकेजेस देने चाहिए. आपका क्या कहना है इस पर, महाराष्ट्र सरकार की इस प्रतिक्रिया पर? देखिए, केंद्र सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इसमें काम कर रहा है. सबसे पहले बिजनेसेस के लिए जो उनकी 31 मार्च की मियाद थी उसको 3 महीने से बढ़ाने का काम सरकार ने किया है.
उसके बाद आज का जो पैकेज है ये गरीबों के लिए, वल्नरेबल्स के लिए पैकेज तैयार हुआ है। इसके साथ साथ हमारे हेल्थ वर्कर्स को इंश्योरेंस मिला है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, 8 करोड़ घरों में मुफ्त सिलेंडर देने की बात हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट में पैसा डालने की बात हो, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स को 1000 रुपए देने की बात हो, किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए डालने की बात हो, या फिर जो हमारे मिनिमम वेजेस जो नरेगा में है उसको बढ़ाने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक नौकरी जाने का खतरा जो हमारे नौकरी पेशा लोगों पर था, 15,000 से कम जिनका वेतन है, ऐसे लोगों को उनका 25% करीब वेतन ये केंद्र सरकार देने वाली है, या जिनके ईपीएफओ के अकाउंट है ऐसे लोगों को करीब 3 महीने तक उनकी जो सैलरी है उसके 75% पैसा वो विड्रॉ कर पाएंगे, इस प्रकार का निर्णय हो। अलग अलग प्रकार के जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, और उसके साथ साथ राज्यों को मुफ्त में दाल देने का निर्णय भी केंद्र सरकार ने लिया है, प्रोटीन्स की भी लोगों को आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए 1 किलो दाल ये हर घर में जाए इसका भी प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अलग अलग जो तबके हैं उसका पूरा ध्यान केंद्र सरकार रख रहा है, और मैं ऐसा मानता हूं ये शुरुआत है, और आने वाले दिनों में जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ेगी केंद्र सरकार की ओर से मदद की जाएगी। आदरणीय मोदी जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि गरीबों के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए, या फिर हमारा व्यापार, हमारा बिजनेसेस वो भी सस्टेन हो, इसके लिए जो भी आवश्यकता है वो केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अपनी सारी चीजें कर रहा है, राज्य सरकार ने भी उसमें प्रयास करना चाहिए। महाराष्ट्र एक बहुत मजबूत राज्य है, महाराष्ट्र ने भी अपना एक पैकेज इसमें तैयार करना चाहिए, और मैं सबसे महत्व की बात ये कहना चाहता हूं, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पोजिशन और अपोजिशन, रूलिंग और अपोजिशन, ऐसा कोई भेद नहीं है, हम सब लोग साथ में मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने तो पहले ही दिन ये कह दिया, और मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी को फोन पर भी बताया कि अपोजिशन की ओर से हम सरकार के सारे निर्णयों का पालन करेंगे, और सरकार को जो मदद इसमें चाहिए वो मदद हम अपोजिशन की ओर से करने को तैयार है, आगे बढ़कर करने को तैयार। सर, एक क्रिटिसिज्म ऐसा भी हो रहा है कि सरकार ने शायद देरी से कदम उठाए हैं, थोड़े और पहले कदम उठाते तो इसको और ज्यादा अच्छे से कंट्रोल में ला पाते, कि आप इससे सहमत हैं? देखिए, बहुत सही समय पर हमने कदम उठाए हैं। अलग अलग देशों का अगर हम लोग अगर पूरे तरीके से अवलोकन करें तो चाहे वो इटली हो या अलग अलग देश हो जहां पर फैलाव बड़े पैमाने पर हुआ, उन्होंने कम्युनिटी स्प्रेड के बाद टोटल लॉकआउट किया, हमने कम्युनिटी स्प्रेड से पहले टोटल लॉकआउट किया हुआ है, और इसलिए लॉकआउट का निर्णय हो या फिर लॉकआउट के बाद जिस प्रकार से लोगों को मदद करने का निर्णय हो, ये बिल्कुल सही समय पर हमारी सरकार ने विचारपूर्वक ये सारे निर्णय किए हुए हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिक्स तो कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हर चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये समय क्रिटिसिज्म का नहीं है। जो लोग स्केप्टिक्स है, क्रिटिक्स है, मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार कोरोना का संकट समाप्त हो जाए, वापिस हम विचार कर सकते हैं कौन सा कदम सही है, कौन सा गलत है, कब उठाना चाहिए, कब नहीं उठाना चाहिए। आप देखिए, जब से यह संकट आया है, मैं विपक्ष का नेता हूं पर मैंने महाराष्ट्र की सरकार पर एक भी तंज नहीं कसा, एक भी आरोप नहीं लगाया। जहां कमियां थी वहां उनको मैंने बताने की कोशिश जरूर की, पर उसके ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म मैंने नहीं किया, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म का समय नहीं है। अभी हम सब लोगों को मिलकर ये जो कोरोना का संकट हमारे ऊपर आया है, इस संकट से हम कैसे पार हो, इसका विचार करना चाहिए। सर, हालांकि काफी सराहना की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की पहल की, लेकिन कल से विशेषतः काफी सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस का हाई हैंडेडनेस काफी जगहों पे दिखाई दिया, कुछ लोगों को काफी मार भी पड़ी। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के एसेंशियल गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रक्स रोके गए, एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को रोका गया, पीटा गया, इसके बारे में एक अपोजिशन लीडर के नाते आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ये बताया है कि जब तक हमारी सप्लाई लाइंस ठीक से नहीं चलेगी तब तक पैनिक बाइंग बंद नहीं होगा। और विशेष रूप से अगर हम मुंबई की बात करें
तो पालघर से सब्जियां आती है, नासिक से सब्जियां आती है, अलग अलग प्रकार का जो हमारा फूड स्टफ है वो सारा बाहर से आता है। तो हमारी जो न्यू मुंबई की एपीएमसी है ये भी बंद थी, आज हमारे लोगों ने उसमें पहल की, उस एपीएमसी को शुरू किया हुआ है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, 25 करीब गाड़ियां हमने तैयार की है कि जिन गाड़ियों से हम लोग सब्जी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रसाद लाड जो एमएलसी है उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारियां की है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सप्लाई लाइन्स ये शुरू रहना बहुत आवश्यक है। देखिए, जहां लोग अनावश्यक रूप से घूमते हैं वहां पर तो पुलिस सख्ती करे, पर हर जगह अगर पुलिस सख्ती करेगी तो सप्लाई लाइन्स कोलैप्स होगी, और इसलिए इसमें भेद करने की आवश्यकता है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ये बताया है कि अनावश्यक रूप से घूमने वालों को रोकिए, लेकिन सप्लाई लाइन्स जो गुड्स लेकर आने वाले लोग हैं, जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का यातायात ये शुरू रहना चाहिए। ये यातायात अगर हम बंद करेंगे तो एक बड़ी पैनिक बाइंग की स्थिति आएगी, लोग रास्तों पर उतरेंगे, और इसलिए इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है जो मैंने राज्य की सरकार के नजर में लाकर दिया है। देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय का सीएनएन न्यूज 18 से बात करने का। थैंक यू। The world is back.